हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है, तो इस गर्मियों के लिए मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी यम्मी एकदम ठंडा ठंडा सा सर ड्रिंक की रेसिपी। तो आइए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया था। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है कढ़ाई, उसमें मैं डाल दूंगी 1 लीटर फुल क्रीम दूध। आप चाहे तो इसे गाय के दूध से भी बना सकते हैं, पर फुल क्रीम दूध डालने से क्या होता है कि हमारा कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा बन के तैयार होता है, और ये ज़्यादा इसे हमें गाढ़ा करना नहीं पड़ता, ज़्यादा इसे हमें चलाना नहीं पड़ता है। तो इसे मैंने कढ़ाई में डालकर बराबर लगातार चलाते रहना है ताकि हमारा यह दूध तली में ना चिपके। अगर हमारा दूध तली में चिपक जाएगा तो हमारे ड्रिंक्स का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और इसे चलाते हुए हमें हल्का सा गाढ़ा कर लेना, ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है, बस हल्का सा हमें गाढ़ा कर लेना है। और जब हमारा दूध हल्का सा गाढ़ा होने लगे तो मैं इसमें डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, और चीनी डालने के बाद भी हमें इसे लगातार चलाते रहना है, और इसे तब तक चलाना जब तक हमारा चीनी और दूध अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। और जब हमारा चीनी और दूध अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा, मैंने लिया है ठंडा दूध, और ठंडा दूध लेके इसमें मैंने डाला 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च पाउडर, जिससे कि हमारा दूध और भी गाढ़ा हो जाएगा। कॉर्न स्टार्च को हमें ठंडे दूध में ही डालना है और मिला के ही इसे डालना है। अगर हम गर्म दूध में कॉर्न स्टार्च को डालेंगे तो उसमें बहुत सारे लम्स आ जाएंगे। और ये देखिए, मैंने अपने कॉर्न स्टार्च को डाल के ठंडे दूध को वापस से कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। थोड़ा देर चलाने के बाद हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने अपने दूध को लगातार चलाते हुए, ये देखिए मैंने इसे अपने कलछी पे उठाया, और इस तरह ये इतना गाढ़ा हमें बनाना है अपने दूध को। और जब हमारा दूध इतना गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच वेनिला एसेंस, जिससे कि हमारे इस ड्रिंक का टेस्ट काफ़ी यम्मी लगेगा। ऐसे डाल के हमें हल्का सा चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर हम कर देंगे अपनी गैस को बंद, और इस मिश्रण को हम फ्रिज में 6 से 7 घंटा तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। 6 से 7 घंटा हमारा मिश्रण काफ़ी चिल्ड हो गया। अब मैं इसे डाल दूंगी एक बाउल में, और इसे डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा अनार का दाना, थोड़े से कटे हुए केले, थोड़ी सी कटी हुई अंगूर। आप फ्रूट्स अपने मनपसंद कोई भी सा भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट देना है। इन सबको डालने के बाद मैं इसमें डाल लूँगी थोड़े से काजू और बादाम के छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए। उसके बाद मैं इसमें डालना, मैंने थोड़े से बर्फ के टुकड़े, और इन सबको डाल के हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, मैंने कितना टेस्टी यम्मी सा बहुत सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स डालकर एकदम यम्मी सा समर कूलर ड्रिंक बना कर रेडी कर दिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे, और ये देखिए देखने में कितना यम्मी लग रहा है। ये देखने में जितना यम्मी लगता है पीने में उतना ही टेस्टी, और इसका स्वाद तो अगर आपने एक बार इसे बना के पी लिया तो आप इसे रोज रोज बनाना चाहेंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे भी आप अपने घर पर एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।